एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। बिजली संबंधी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जोधपुर क्षेत्र के किसानों का धरना बुधवार को भी ओसियां व तिवरी में जारी रहा। उनकी प्रशासन के साथ वार्ता विफल रही। किसान कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने और बिल पर अनुदान जैसे मसलों पर हाथों हाथ निर्णय चाहते थे, जबकि प्रशासन का कहना था कि ये राज्य सरकार से जुड़े मसले हैं, ऐसे में इन पर निर्णय होने में समय लगेगा। इस गतिरोध पर वार्ता टूट गई। बीकानेर जिले के पुलिस थानों में सालों से ऐसे वाहन पड़े जगह घेर रहे हैं जिनके मालिक ले जाना ही नहीं चाहते या फिर पुलिस को उनके मालिकों का पता ही नहीं। ऐसे वाहनों के बारे में पड़ताल की तो सामने आया कि लून करंसर, खाजूवाला, श्री डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा सहित अनेक पुलिस थानों में ऐसे वाहन पड़े हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त किया, अब इन्हें कोई ले जाना ही नहीं चाहता। जोधपुर शहर के सरदारपुरा पुलिस ने फायरिंग के आरोपी तस्करों को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। सरदारपुरा थाना अधिकारी लिखमा राम ने बताया कि पुलिस ने राम निवास बिश्नोई व सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर दोनों के पास से 18 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्त, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस व 2 खाली खोल बरामद किए हैं। आरोपियों ने भागने के लिए फायरिंग की थी लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर उन्हें पकड़ लिया। बीकानेर प्री डी एलर्ट परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों एवं शिक्षा संकुल स्थित NIC के VC केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से संबंधित अधिकारियों को निदेशक सौरभ स्वामी ने निर्देश दिए तथा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। VC में समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक प्रभारी अधिकारियों ने अपने अपने NIC केंद्रों से भाग लिया। जोधपुर शहर की बनाड पुलिस ने कृषि विभाग के AAO हत्याकांड के आरोप में पकड़ी गई उसकी पत्नी व 2 सालियों को रिमांड अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। थानाधिकारी अशोक अंजना ने बताया कि नागौर जिले के कृषि विभाग AAO चरण सिंह उर्फ सुशील जाट की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सीमा, 2 सालियां बबीता और प्रियंका को पकड़ा गया था। बाद में इनको सहयोग करने वाले भियाराम जाट और पशु चिकित्सक राजेश चितारा को भी पकड़ा था। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गोड ब्राह्मण महासभा के बीकानेर युवक संघ जिला अध्यक्ष प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पवन जोशी को महामंत्री, नवरतन उपाध्याय व पुरुषोत्तम जाजड़ा को उपाध्यक्ष, छगन उपाध्याय को कोषाध्यक्ष, पुनीत जाजड़ा, पवन उपाध्याय को सचिव, हेमंत सांखी, मुकुल उपाध्याय, संतोष पाचार्य को महासचिव बनाया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही की। संभागीय आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देशानुसार निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को बंद करवाकर बिना इजाजत के निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने निर्माण में काम आने वाली सामग्री को भी जब्त कर अतिक्रमण ध्वस्त किए। मुक्ति संस्था बीकानेर के तत्वाधान में राजस्थानी भाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा में राष्ट्रीय स्तर पर काव्य गोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रख्यात राजस्थानी रचनाकार जैसलमेर के ओम प्रकाश भाटिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार कवि कथाकार राजेंद्र जोशी ने की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार महिलाओं के लिए राजीव गांधी भारत निर्वाण सेवा केंद्र ग्राम पंचायत बनाड़ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धेश्वर पुरी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रंजना सिंह मेतड़िया एवं शीतल शर्मा को रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया गया है। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग द्वारा नेत्रदान पखवाड़ा शुभारंभ किया गया। नेत्रदान पखवाड़े के तहत विभाग ने इस बार 501 नेत्रदान शपथ पत्र भरने का लक्ष्य रखा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के अधीन MDM अस्पताल की OPD में आने वाले मरीजों को नेत्रदान के बारे में जागरूकता के साथ उनसे शपथ पत्र भरवाए गए। जोधपुर में निवाज की हवेली महावीर भवन में अपने नियमित प्रवचन से संत कमल मुनि कमलेश ने कहा कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिकता के लिए प्लास्टिक थैली हथियार से भी खतरनाक है। जहां थैली गिरती है धरती बंजर हो जाती है, नाली पैक हो जाती है, इससे मलेरिया आदि बीमारियां भी फैलती हैं। जलाने पर अत्यंत खतरनाक गैस निर्मित होती है। खाद्य पदार्थ भी उसमें से भरने पर केमिकल से सब प्रदूषित हो जाते हैं। कौशल मुनि ने मंगलाचरण किया।
जोधपुर डिस्कॉम में विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत बिलों व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 1 से 15 सितंबर तक कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों में 2 दिवसीय शिविर लगेंगे। मुख्य लेखा नियंत्रक डॉक्टर एस के गोयल ने बताया कि सभी उपखंडों के प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता के पर्यवेक्षण में 2 दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान किसान वर्ग को राहत देते हुए भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना की स्वीकृति जारी की गई है। जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जोधपुर के अध्यक्ष गेम्बर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के ऋण चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नए कांग्रेस अध्यक्ष आने के बाद संगठन में जगह बनाने की कवायद दूसरे दिन भी शुरू हो गई थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत के 3 कार्यकाल पूरे होने के बाद उनका हटना अब तय है। उनकी जगह नए अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो गई है। इस दौड़ में कन्हैया कल्ला, राजकुमार किराड़ू, मकसूद अहमद, हारून राठौड़, श्री लाल व्यास, बाबू जयशंकर जोशी के नाम शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।